नहीं मानते। दुनिया तो पैगाने को अपनाती है अपना, कुछ जैसे अकल अपने को बुलाता है बेगाना। अरे ओ पापी, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूं मैं खुद तेरे स्वागत के लिए तैयार था। चल चल फिर निकल, मरने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। Thank you.
है, यह किसका तीर करारा है? बोलो किसका तीर करारा है? तू खुद दगा दगा धोखा धोखा धोखे से मुझको मारा है। हाय किस पापी ने यह चालाकी मेरे साथ की है। चोट यह आकर लगी है तीसरे के हाथ की। यह धोखे से मुझको किसने तीर मारा है? कौन है वो जरा मेरे सामने तो आए। ये वाली मैं हूँ दशरथ नंदन राम। अहो राम धर्म और नीति के पालन करने वाले राम, तुमने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर यह धोखे का व्यवहार किस लिए? हे बाली सुनो, तुमने वर ही ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। भगवान सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है? रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? हे बाली ध्यान से सुनो, कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह बद के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन गए मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र का हरते हैं यह वाक्य नीति का सुना नहीं? जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न ना करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? भगवान भगवान यदि मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावो की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथुर मिला देता। मैं
मैं उसको राघव जानता हूं जो सीता चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह तप पे दावा है। हे बाली, सुग्रीव मेरा मित्र है और न तुम शत्रु, किंतु जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधु और बहन को कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यह सब तो पुत्री के समान होती है। किंतु यदि फिर भी तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। हे नाथ, जिस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त नहीं कर पाए, उस गति को मैं कैसे छोड़ दूं? हे नाथ, मुझे मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने से अलग मत करना और प्यारी तारा को धैर्य बनाना। ऐसा ही होगा बाली। हाय पिताजी, आपको यहाँ क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, यह संसार का नियम है, जो पैदा होता है उसे अवश्य मरना होता है। मैं जा रहा हूँ बेटा, आज से तुम्हारे माता पिता सब कुछ श्री राम है, इसलिए इनके चरणों में सर झुकाओ और इनके अनुगामी बन जाओ। आप, मेरा अंतिम समय आ गया है। हे प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु। हाय तारा, हाय अजय, हाय तारा। Thank you.
छोड़े मुझे मछिदान करने का प्रबंध कीजिए। क्या हो प्रभु? स्वामी। और उसके बाद पंपापुर जाकर अपना राज्य संभालिए। लक्ष्मण आकर आपका राज्य अभिषेक कर देगा। क्या हो भगवान? सुंदर सा सीन है।
है वो लक्ष्मण तुरंत बुलायो पुरजन।